सबसे पहले मैं आप जिससे शुरू किया था, मैं पहले बाद में ममता बनर्जी का आंखों से राहुल गांधी को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग जैसे कहा, गौतम जी की जरा पहले आवाज बढ़ा दीजिए, चेतन भगत का। अच्छा हेलो, सुनाई दे रहा है? तो मैं जोर से बोलता हूँ कि मेरे को जो लगता है, हाँ मेरे को जो लगा कि चेतन भगत एक नाम तो है, ठीक है, वो पॉलिटिकल विश्लेषक है कि नहीं अलग बात है, लेकिन जो पेज थ्री सर्किट, इसके तरफ से पहली बार राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस आ रहा है। मैं बाकी और नाम नहीं लूंगा जो भारत जनता के बाद भी ऐसे लोग थे मुंबई और बाकी जगह में जिन लोगों को दिखाई देते थे पेज थ्री सर्किट ने, और राहुल गांधी को प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। ये है, मैं मानता हूँ ये राहुल गांधी का ही विक्ट्री कि इन लोगों को अपना तरफ लाने में वो कामयाब हुए, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो कहा अभी कुछ दिन पहले, संसदीय मंत्री ने कहा था कि भारत में तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में ऑपोजिशन लीडर इज द शैडो पीएम, और राहुल गांधी का राष्ट्रपति का अभिभाषण के ऊपर उनका जो भाषण था उनमें खाऊ तो कहा आज मैं अपोजिशन लीडर हूँ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ, मेरे से मैं सबका सबके साथ सबको लेके चलने का मन करता है, सबको लेके ही चलूंगा, ये उन्होंने ऐलान किया था पार्लियामेंट का अंदर पहली बार। बाद में मैं मानता हूँ आप देखिए अभी बजट अधिवेशन में जिन इसको मैंने देखा कि एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं। सात साल बीच में उनका एक दूसरा एक पॉलिटिक्स पे देखने लायक है कि बीच बीच में वो जनता के पास भी चले जा रहे हैं, कभी मुचियों के पास, कभी लोगों के पास, इस जो जनता के साथ उनका भावना, उनका भावना उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डाल रहा है, जो वो क्या सोचते हैं जनता। थोड़ा आप बोल सकते हैं कि जो पुराना नेहरू और इंदिरा गांधी का लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स, जो मनमोहन सिंह का जमाने का से थोड़ा अलग इस तरह का पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी वो प्रेस कर रहे हैं जिसमें पार्टी को शामिल कर रहे हैं। आप बात यह है कि ममता बनर्जी का पर्सनल एम्बिशन भी है, ये कोई नकार नहीं सकता, इसके लिए थोड़ा ये खींचतान तो रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वही तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी का कोई सिद्धांत में विरोध किया, ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा, अभी तक तो साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, भारत जोड़ो यात्रा का पहले राहुल और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से न्याय यात्रा, उसके बाद लोकसभा जहाँ पे हिंदी पट्टी से सीट जो कांग्रेस को आया है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस को जो दिखाई दे रहा है, इसमें राहुल गांधी का निश्चित तौर पे उसका लगातार जो उन्होंने काम किया है उसका एक असर दिखाई दे रहा है। इसलिए संभव है कि बाद में कोई मान देगा कि नहीं मान, वो अलग बात है, लेकिन वो नेचुरल लीडर बनने जा रहा है। नेचुरल लीडर ये गौतम लाहिरी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन रशीद इसमें कुछ अच्छे सलाहकार भी शामिल हो गए क्या? क्योंकि मुझे खूब अच्छे से याद है जब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू हुई जनवरी के महीने में, इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल वर्ज पर खड़ा था और सारे इंडिया अलायंस के घटकों ने कहा कि भाई कांग्रेस अपनी ढफली अपना राग, ये तो इलेक्शन कैंपेन का वक्त है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क्या जरूरत है। बट कांग्रेस स्टिक टू दैट और उसका फायदा भी मिलता हुआ राहुल गांधी की छवि में दिखा और बखूबी दिख रहा है। ये कोई नए स्ट्रेटजिस्ट भी जुड़े हैं क्या राहुल गांधी के साथ?